अच्छा क्लास, लास्ट टाइम हमने जो डेरिवेशन पढ़ी थी वो डेरिवेशन थी रेडियस के लिए। आज हम जो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं वो एनर्जी के लिए है, ठीक है, टोटल एनर्जी के लिए। अच्छा देखिए, हमें पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बात मैंने आपसे पोस्टुलेट में भी डिस्कस की थी। तो इसे हम इक्वेशन वन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करेंगे, फिर इसमें हम पुट कर देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन इशू क्या है, इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को मैं यूज़ नहीं कर सकता। क्यों यूज़ नहीं कर सकता, ये बात मैंने आपको रेडियस में भी बताई थी कि हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे काम नहीं कर सकते। देखें यहाँ भी वी आ रहा है, स्पीड आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी फास्ट नहीं है। इसलिए मैं इस वी को सब्स्टिट्यूट करूँगा किसी दूसरी वैल्यू से, तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन टू का। अच्छा देखिए, हमें पता है कि FE बराबर होता है एफ सी के। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बैलेंस हो रही होती है सेंटीपेटल फोर्स के। ये बात हमने रेडियस में भी पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और सेंटीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर ओवर आर। फिर हमने पढ़ा था कि आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा के ई स्क्वायर ओवर आर इक्वल एम बी एम बी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए, आपको इस फॉर्मूले को अगर हम रिलेट करना चाहें काइनेटिक एनर्जी से, तो इसमें सिर्फ हाफ नहीं है। देखें, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की बात करूं हाफ एम वी स्क्वायर की, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर तो है लेकिन हाफ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे टू से। तो जब मैं इस वैल्यू को टू से डिवाइड करूंगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, के ई स्क्वायर टू आर, और जब मैं इसे टू से डिवाइड कर दूंगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, वन अपॉइंट टू एम बी स्क्वायर। देखें, ये डिवाइड हमने अपनी तरफ से किया है ताकि हम इसे काइनेटिक एनर्जी बना सकें। और क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है, बोर्ड मैथ्स का रूल होता है, कि आप जो काम एक साइड पे करते हैं वो आपको दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। तो इसलिए अगर मैंने एम बी स्क्वायर को टू से डिवाइड किया था, तो मैंने के ई स्क्वायर ओवर आर को भी टू से डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेजन थ्री का। अब देखिए, इक्वेजन टू के अंदर एक साइड क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इक्वेजन थ्री के अंदर देखिए एक साइड क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब जब भी इक्वेजन की दोनों में से एक साइड सेम होती है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेजन टू एंड थ्री वी गेट। अच्छा देखें, अब कंपेयर करते हैं, आपने क्या याद रखना है, जो साइड सेम होती है आप उसे नहीं लिखते। कौन सी साइड सेम है, ये देखें, हाफ एम वी स्क्वायर इसमें भी है और हाफ एम वी स्क्वायर इसमें भी है। ये आपको पेपर में काटना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हल्का सा गेज लगा रहा हूँ इस पर। सो यहाँ से कौन सी साइड आ जाएगी, के डॉट ई, ये देखिए यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर सेम है ना, तो यहाँ से क्या बचा, के डॉट ई, और यहाँ से आपके पास देखें ये साइड सेम है तो क्या बचा, के ई स्क्वायर ओवर टू आर। ये तो फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। अच्छा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन के बराबर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब नेगेटिव मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है इसमें हम किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, ऐसा ही है। तो इस ये नेगेटिव यहाँ पे इसलिए मैंने मेंशन किया है, ये नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि अपोजिट होगी। अब देखें वर्क डन होता क्या है, मैं आपको वर्क डन थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वर्क डन का मतलब क्या होता है, काम हम फिजिक्स में किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे आप फोर्स लगा दीजिए, उसे धक्का दे दीजिए, किसी भी डायरेक्शन में दे दीजिए, जिस डायरेक्शन में देंगे उसी में जाएगा। जैसे ही इस ब्लॉक को आप धक्का देंगे तो ये ब्लॉक आगे चला जाएगा, ऐसे ही। इसका मतलब जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और यही क्या है, काम है। इसका मतलब एक डब्बे को आपने एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, इसी को तो हम फिजिक्स के अंदर वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ऐसे ही है ना। क्योंकि देखें वर्क डन कब हो रहा है, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर लेती है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है। इसका मतलब वर्क डन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स के ऊपर और एक डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, इसका मतलब वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अच्छा देखिए फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है, के ई स्क्वायर
ओवर आर स्क्वायर, यही फोर्स होती है ना एटम के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर लेंगे हम, रेडियस के बराबर, क्योंकि एटम एक सर्कल है, सर्कुलर फॉर्म में शेल्स घूम रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन सर्कल सर्कुलर फॉर्म में घूम रहे हैं, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर लिया, रेडियस के बराबर लिया। एक आर से एक आर कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या आई है पोटेंशियल एनर्जी की, नेगेटिव के ई स्क्वायर ओवर आर। अब देखिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हम वर्डिंग लिख देते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के डॉट ई एंड पी डॉट ई इन इक्वेशन वन वी गेट, अच्छा फॉर्मूला क्या था, ई इक्वल के डॉट ई, के डॉट ई का फॉर्मूला आपने क्या बनाया, के ई स्क्वायर ओवर टू आर, ठीक है। आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, हमने यही फॉर्मूला ड्राइव किया था। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या ड्राइव किया है, के ई स्क्वायर ओवर आर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आता है, अगर एक आर है एक टू आर है, तो जो मल्टीपल जो ग्रेटर मल्टीपल होता है उसे हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा, टू आर। यहाँ देखिए टू आर एग्जैक्ट एलसीएम है, एलसीएम हमारे पास क्या है, टू आर, और यहाँ भी क्या है, टू आर, इसका मतलब सेम टू एलसीएम है। अगर सेम टू एलसीएम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसका मतलब के डॉट ई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ऐसे ही आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, आर, आर सेम टू एलसीएम नहीं है, इसमें टू की कमी है, तो आप टू से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसका मतलब ये जो नंबर है इसे मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू के ई स्क्वायर। ये मैंने सिंपल एलसीएम लिया, आपको जो भी तरीका आसान लगे एलसीएम का आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखें टू के ई स्क्वायर में से के ई स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, नेगेटिव के ई स्क्वायर। माइनस का क्यों आया, क्योंकि साइन हम बड़े वाले के साथ की लगाते हैं, डिवाइड में आपके पास क्या है, टू आर। ये सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है, ठीक है। अब हमें पता है आर की वैल्यू, अच्छा देखिए क्लास, अब आर का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, आर किसके बराबर होता है, हम यहाँ लिख भी देते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं इसे, आर बराबर होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर के बराबर। इस आर की वैल्यू को उठा के मैं इसमें रख देता हूँ, सो ई इक्वल नेगेटिव के ई स्क्वायर 2। अब हम आर की जगह पे वैल्यू रख देते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ठीक है। 2 वन टू 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 द 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, नेगेटिव के ई स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। अच्छा अब देखिए, अब इस डिवाइड के साइन को सॉल्व कर देते हैं, यहां से क्या है 2 के ई स्क्वायर डिवाइड एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ये जो साइन है डिवाइड का, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब जब डिवाइड का साइन हटता है, मल्टीप्लाई का साइन लगता है, तो आप इसे वैल्यू को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है। अब यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर। सो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, e इक्वल नेगेटिव के ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। लास्ट पेज पे हम यहीं पे थे, सो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव 2 पाई स्क्वायर एम के, एक ये रहा एक ये रहा, क्या हो गया, के स्क्वायर ई स्क्वायर ये रहा ई स्क्वायर ये रहा ई 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे आपने सिंपल एनर्जी के लिए काम कर लिया। अब आपको पता है सब वैल्यूज कांस्टेंट हैं, 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142, के की वैल्यू आपको पहले ही पता है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या होती है 9.11 × 10⁻³¹ kg। अच्छा ई की वैल्यू क्या होती है, सब वैल्यूज आपको पहले से पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ एन तो चेंज होता रहता है, एच की वैल्यू क्या है 6.63 × 10⁻³¹ J/s। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, उठा के इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सो नेगेटिव 2 ऐसे ही आ गया, पाई की जगह पे क्या रख देंगे 3.142 का स्क्वायर, फिर एम की जगह पे 9.11 × 10⁻³¹ के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻¹⁹ स्क्वायर। अच्छा
ई की वैल्यू क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 19 की पावर 4, डिवाइड में आपके पास क्या है n, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी। अच्छा h की वैल्यू क्या होती है, 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 34। इन सब की वैल्यूज को सॉल्व कर दीजिएगा, कैलकुलेटर में लिखा हुआ आ जाएगा 2.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 18, सही है। अच्छा जूल, और यहां से आपके पास ऊपर से कुछ नहीं बचा तो मैं 1 लिख रहा हूँ, नीचे से डिवाइड में आपके पास क्या बचा है, एन स्क्वायर, सिंपल। अच्छा अब अगर आप इस वैल्यू को जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू किसके बराबर होती है, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो चाहे तो आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये ईवी आपकी मर्जी है, ईवी को पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ई वन निकालता हूँ तो एन की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, 1, आंसर ई वन की वैल्यू का क्या आएगा, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर मेरे पास आ रहा है ई वन के लिए, ठीक है। अगर मैं ई एन की बात करूं, ई एन किसके बराबर होगा, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एन का स्क्वायर। अच्छा अब आपको पता है नेगेटिव 13.6 किसके बराबर आता है, ई वन के, तो इसका मतलब इस नेगेटिव 13.6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं।